किद्दा, तुम लोगों के दिमाग में एक बात तो आ रही होगी कि यार गौतम भाई ये स्टूडियो कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया। अरे सब बताऊंगा यार, रुको जरा, सबर करो। ठीक है, सब बताया जाएगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना गौतम दुग्गल एंड गेस्ट स्पॉट। आज का व्लॉग होने वाला है यार मतलब बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल अमेजिंग, क्योंकि जैसे कि तुम लोग जानते हो यार कि भारत के 90% लौंडे सिंगल बैठे हैं। ठीक है, जब 90% लौंडे सिंगल बैठे हैं उसमें अगर शीरो को गर्लफ्रेंड मिल जाए तो उन लौंडों का फिर क्या ही होगा। वो 90% लौंडे इंक्लूडिंग मी और नॉट, ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं। पर अबे साले, तो आज के व्लॉग में गाइस मैं तुम्हें मिलवाने वाला हूँ शीरो की गर्लफ्रेंड है नहीं है वो सब तो तुम्हें इस व्लॉग में आगे पता लग ही जाएगा। ट्रीट्स लेके आऊंगा, शीरो के साथ बहुत सारा खेलूंगा। जो लोग शीरो को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, मतलब उनके लिए तो ये व्लॉग एकदम फुल पैकेज होने वाला है। तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इस स्टूडियो का ये सीन है कि भाई तुम्हारा भाई अभी अपना यूट्यूब स्टूडियो इस रूम को बना रहा है। ठीक है, अभी वर्क ऑन इन सब सब कर सारा खबर सब। तो गाइस बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब तो एडिटर को मैंने एक्स्ट्रा तनख्वाह दे दी, दिल से इंट्रो डालियो लगा। वीक में आ गया सज तज के तेरे पीछे पीछे पच पच के, तो तेरा प्यार मेरे यार दिल चाहे बार बार, बस इतना ही मैं चाहूंगा। मेरी महंगी महंगी कार नाले पैसे सार तेरे पे लुटाना चाहूंगा। लक तेरा लक तेरा लक मटकाना, दिल मेरा करे तेनु तक ते जावा। हाय तेरी गल्लाई उत्ते दिल मेरा करे मुझवारी जावा। लक तेरा लक तेरा लक मटकाना। शीरो घूमी घूमी चले घूमी। चल आजा आजा मेरे शेर। सुबह सुबह चल रही है अपनी क्लास और अच्छा लग रहा है वैसे भाई, कॉलेज की क्लास स्टार्ट हो गई है। तो शीरो मुझे बहुत काट रहा है, ठीक है, और वो मुझे चैलेंज कर रहा है। ठीक है, तो हम दोनों के बीच एक WWE मैच हो ही जाना चाहिए। तो मैं हूँ रोमन रेंस और ये अभी तुम्हें आगे पता लग जाएगा। He has assaulted people. Heavyweight champion, John Cena. Prying the hands of the big dog apart. This time he catches Roman, ducks underneath the right hand. Cena with a shoulder tackle. The smart strategy, Roman wasting no time, taking the fight to John. Oh! For Korea, two of the most polarizing figures in the history of WWE. Prying the hands of the big dog apart. This time he catches Roman. And a spear! Reigns, cover! Got a five knuckle shot. Reigns into the Samoan drop. Cover by Reigns to knock off Cena, who again has to kick out at two. Cena no! Rolls through. Got him. Can he roll him over? He does. STF. He beat the pressure. He's tagging him. मेरा कान तो गायब ही हो गया, देखो कान प्लेन हो गया, खा गया। बहुत ही टफ कॉम्पिटिटर था और मैं रिजाइन ले रहा हूँ WWE से। शीरो तेरे को पता है कितने लोग तुझे प्यार करते हैं, कितने लोग तेरे लिए कमेंट करते हैं कि शीरो के लिए शीरो की नई वीडियो लेके आओ। तुझे प्यार करते हैं, प्यार बहुत सारा प्यार करते हो ना, सच में करते हो तो भाई कमेंट करके तुम्हें बताना ही पड़ेगा आज, है ना। तो गाइस WWE के बाद आधे मिनट की रिकवरी के बाद तुम्हारा भाई जा रहा है नहाने के लिए। ठीक है, सोच रहे हो क्या शावर तो उसका स्कैम है? नहीं, वो स्कैम नहीं था,
आओ तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो इस बात कर लेते हैं हम उस शावर की जिसको हम स्कैम बोल रहे थे, मतलब सच में हम बेचारे की काबिलियत पे शक कर रहे थे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फुल पानी, एक नंबर, फुल स्पीड। जहां से पानी आता है ना वहां पे थोड़ी मिट्टी जम गई है, तो मिट्टी जमने की वजह से पानी पास नहीं हो पा रहा, तो पानी का प्रेशर तेज आ रहा है पर कम पानी जा रहा है, जिस वजह से कम पानी समय से आ रहा है, और हम दोष दे रहे थे इस मासूम को। शावर देन, शावर नाउ। तो भाई शीरो को ले जाने वाले हैं उसकी दोस्त से मिलवाने के लिए, ठीक है। और मैं बताता हूँ कि वो दोस्त आखिर है कौन, ठीक है। तो मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है, उनकी एक शॉप है, ठीक है, क्लोथ्स वगैरह की। तो मम्मी वहाँ पे जाती रहती है, तो हम मम्मी ने देखा कि जो उनकी फ्रेंड है उनके पास एक पग है, ठीक है, छोटी सी पपी है। और सबसे मेन चीज़ उन्होंने भी वहीं से लिया जहाँ से मैंने शीरो को लिया था, ठीक है। तो बिल्कुल शीरो जैसी है सच में वो भी, ठीक है। तो मम्मी ने उनको बताया कि हमारे पास भी एक पग है, देखो शरारती, ठीक है। तो मम्मी ने उन्हें बताया कि हमारे पास भी एक पग है, तो फिर आंटी ने बोला कि यार तुम भी अपने शीरो को लेके आ जाओ और हमारी चिंकी से मिलवाओ, दोनों बड़ी मस्ती करेंगे, खेलेंगे। तो आज शीरो को लेके जा रहे हैं हम चिंकी से मिलवाने के लिए। शीरो, क्या तू चिंकी से मिलना चाहेगा? कह रहा अभी लेके चल, अभी लेके चल, देख हाथ काट रहा है, वेरी एक्साइटेड। रहा नहीं जाता। Friends? No. Okay, bye. क्या बोल रही है? भाग रही है और भाग रही डर रही है। चिंकी, तू जा रही है? टुक टुक जैसे लग रही है ना? छोड़ दे। चिंकी का तो लग रहा है पता नहीं कौन आ गए भाई। चिंकी भाग रही। अरे 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 भाई, स्पीड चेक। तो गाइस जैसे कि तुम लोगों को दिख ही रहा है कि चिंकी भी पग है और वो फीमेल है, और वो मेरे ख्याल से 2 ईयर्स के अराउंड की है, ठीक है। देखने में वो शीरो से छोटी लग रही है पर फीमेल मेल के मुकाबले थोड़ी छोटी ही होती है। म्यूजिक इसका मुंह कितना छोटा है, फीमेल का मुंह ना छोटा होता है मेरे के मुकाबले। शीरो को देखो, शीरो द एक्साइटमेंट। चलो शीरो घर चले, चिंकी को बाय बोल दो, बाय चिंकी। चलो चलो चलो। तो गाइस शीरो का भी कुछ काम नहीं बन पाया, वो भी फ्रेंड जोन हो गया है, और अब वो भी उन 90% सिंगल लौंडों में ही काउंट होगा। धिक्कार है यार। सो गाइस जैसे कि तुम लोग जानते हो कि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, ठीक है, कप कपाने वाली, थर थराने वाली ठंड हो रही है। तो ऐसी ठंड में अगर शीरो नीचे ज़मीन पर बैठेगा तो उसे ठंड लग जाएगी, इसलिए मैं शीरो के लिए लेके आया हूँ शीरो का स्पेशल बेड, ग्रीन कलर का, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। एक दो दिन हो गए हैं इसलिए ये थोड़ा गंदा भी लग रहा है देखने में, और नीचे से ये है ऐसा रेक्सिन टाइप ऐसा कुछ बेड है भाई। बस रिंग लाइट थी ना तो ख़राब हो गई, तो तुम्हारा भाई आर्ट्स का स्टूडेंट होके भी इंजीनियरिंग करने की सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई खोल देता हूँ। तो अगर आर्ट्स वाले इंजीनियरिंग पे आए ना तो वो कुछ ऐसा करते हैं। भाई ये सब कर दिया मैंने, ठीक है। स्टिल इतना ख़राब करने के बाद भी अब पहले ये लाइट जल नहीं रही थी, अब ये लाइट जल रही है, ठीक है। तो हाँ कुछ ना कुछ ही सक। शीरो भाई, शीरो के कान देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तेरी शक्ल तो ऐसी लग रही है कि तू तेरे नाम का सलमान खान है भाई। यार इस बंदे को देख लो, ये मेरी पैंट खींचने के पीछे पागल हो रखा है। अबे खींच खींच के उतार के मानेगा? शीरो के लिए ट्रीट्स लेने के लिए, क्योंकि भाई शीरो के लिए ट्रीट्स खत्म हो गए, ठीक है। और गीतांशी ने बोला कि भाई आज तो शीरो के लिए ट्रीट्स ये भी लेगी बहुत सारी, ठीक है। मेरा बच्चा है वो। हाँ तो अपने बच्चे के लिए लेगी। और तुमने भाई मेरी बहन को कितने टाइम बाद व्लॉग में देखा, भाई बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है, व्लॉग में आना आना छोड़ रखा है, ठीक है, पार्ट टाइम सेलिब्रिटी है, सही बता रहा हूँ। तो अब चलते हैं शीरो की ट्रीट्स लेने, दिखाते हैं तुम्हें क्या क्या लेके आते हैं, मस्त मस्त चीजें लेंगे। शीरो खुश एकदम, उसका रिएक्शन देखेंगे।
गाइस हम जा रहे हैं अंदर शीरो के लिए इतनी सारी ट्रीट्स लेके, तो देखते शीरो का रिएक्शन। ले तू लेके जा शीरो, शीरो की ट्रीट्स आ गई। ओह सॉरी, बाबू हाई फाइव, हाई फाइव शीरो, गुड बॉय, स्टे स्टे हैव। सो गाइस इट्स ऑल फॉर द व्लॉग, होप तुम लोगों को यार व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो यार इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, और अगर मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो यार फॉलो कर लो @GautamDuggal official, आईडी लिखी आ गई होगी। साथ में तुम लोग शीरो को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि भाई शीरो का भी खुद का अपना पर्सनल अकाउंट है, तो उसे भी जाके फॉलो करो @ShiroDuggal official। और क्या, तो अभी कभी यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ऐसी नई वीडियोस आती रहेगी। लव यू गाइस। Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ay? Wake up.